आज बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र में अपना कार्य बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। वही एक क्षेत्र है फैशन का दौर हो चाहे कहीं भी कोई क्षेत्र हो, बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र के अंदर अपनी एक अलग भूमिका बना के नजर आते हैं। वहीं मिसेज इंडिया बनी राजस्थान की बेटी। दोस्तों, राजस्थान के करौली जिले के अंदर छोटे से गांव में कड़ी पनवाड़ा की एक बहुजन महिला ने इंडियन यूनिवर्सिटी का एक खिताब जीतकर कीर्तिमान रच दिया है। पुणे में आयोजित प्रतियोगिता में प्रीति मीना को इस खिताब से नवाजा गया। यह मुकाबला 25 महिलाओं के बीच था, जिसमें प्रीति मीना ने राजस्थानी संस्कृति में एक जोरदार भाषण दिया, जिसके आधार पर प्रीति मीना को मिसेस इंडिया घोषित कर दिया गया। मिसेस इंडिया का खिताब जीतने से पहले प्रीति मीना ने राजस्थान के 2018 का खिताब भी जीत चुकी हैं। उनका कहना है कि महिला किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं होती। उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलनों को कहना नहीं होता, उन्हें मानना भी होता है। इसलिए बेटियों की हिफाजत करनी चाहिए, भ्रूण हत्या जैसी चीजों को रोक लगनी चाहिए, लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मुझे जिस मान सम्मान के साथ लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं उसका एहसान बिल्कुल नहीं चुका सकती, और आज मैं जिस लेवल पर हूँ वहाँ पर कल दूसरी महिलाएं आकर खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की ही नहीं पूरे देश दुनिया के अंदर महिलाओं को किसी भी चीज़ में रोकना नहीं चाहिए, उनको बढ़ चढ़कर हर एक चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। ये थी SM News की रिपोर्ट।